जेल कॉलोनी में हेड वाटर एस की पत्नी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला। घायल दंपति ने कोतवाली पहुंच पुलिस से लगाई गुहार। देवबंद उप कारागार में हेड वाटर के पद पर तैनात मुन्ना खान हाईवे स्थित जेल की कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुन्ना खान ने बताया कि 1 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन घबराहट के चलते उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन बदमाशों द्वारा बार बार दरवाजा हिलाने के चलते मेन डोर का कुंडा खुल गया। क्या मामला है आपके साथ? हम लोग दोनों मियाँ बीवी घर पर कमरे में अपने सो रहे थे, अचानक ये आकर के आवाज़ दी, मेरे पति को आवाज़ दी, क्या कहते हैं आपको जेलर साहब बुला रहे हैं और बंदी भी मारे हैं। तो हमारे पति न समझते हुए गेट के पास पहुँचे, पहुँच करके जैसे कि उन लोग किमाड़े भड़बड़ाने लगे, खूब किमाड़ों में टक्कर मारा, किमाड़े खुल गए, मेरे पति को इन्होंने पटक दिए, बट मार दी सर में, बट मारा गिर गए। गिरने पर इन्होंने बहुत मार करी। मैं आगे बढ़कर हाथ जोड़कर बोली, भाई काहे मार रहे हो, क्या गलती हमसे पड़ी है? बोलेगा कुछ नहीं, बोले मुझे ये बिल्कुल बेहोश हो गए, बिल्कुल बेपन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान है। मुन्ना खान जी, क्या घटना? मैं हेड वार्डर हूँ और मैं जो है अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। करीब 11:30 बजे आवाज़ बाहर से आई कि तुम्हें जेलर साहब बुला रहे हैं, और 5-6 बदमाश थे, बस उन्होंने जो है दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जब मैं नहीं खोला तो दरवाज़ा खुल गया, जब खुल गया तो बस मुझे मार दिए सर में, मेरे चोट लगी, मैं बेहोश हो गया, और बस मेरी बीवी ने हाथ पैर जोड़े उनके तो उसका भी सर फोड़ दिया। अच्छा, और बस भाग गए फायर करते हुए। कितने पैसे लूट के ले गए? करीब 2500-3000 रुपया था। अच्छा, इनके जेब में रखा था तो थैली बाहर निकल आई, बस पैसे छीन लिए और चले गए। अब आज सुबह जो है करीब 14 कारतूस मिले हैं जेलर साहब, डिप्टी साहब को, सब लोग गए थे, 14 कारतूस बाहर मिले। हम लोग वहाँ से आए सहारनपुर से।